लेकिन भाई जान ये चेक कर सकते हैं आप, 1000 वाट का लोड यहाँ पे मैंने चलाया है, 3 प्लेटों का करंट देखे आउटपुट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 170 180 यहाँ इसका आउटपुट है। इनपुट आप देख सकते हैं 160 वोल्ट 155 वोल्ट यहाँ पे मैंने इनपुट लिया है। अब यहाँ पे मैं इसे लोड को थोड़ा ज़्यादा करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं 1000 वाट का यहाँ पे इसने लोड उठा लिया है। यानी अगर आप इसके साथ वापस शेयरिंग करेंगे ना, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि 4 प्लेटें आप लगाएंगे, 4 प्लेटें आप लगाएंगे और वापस शेयरिंग करेंगे, तो आपका लोड आराम से उठेगा। लेकिन ये है कि अगर अचानक बिजली चली जाए, तो फ्रिज अगर चल रहा है तो फ्रिज चलता रहेगा, अगर इन्वर्टर वाला है वो चलता रहेगा, और साथ में 2-3 पंखे जो है वो आराम से चलते रहेंगे, इतना लोड उठा लेगा। बाकी आप अगर इस बाद में इस पे 6 प्लेटें लगाएंगे तो आप इसमें लगा सकते हैं, इसमें आपको कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। मैंने ऐसे तरीके इसमें इस्तेमाल किया है कि आपको कोई चीज़ जो है चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप देखेंगे तो कि आपका आउटपुट जो है आपका लोड सही से काम नहीं कर रहा, तो आप इस तरीके से कैपेसिटर ले सकते हैं, इस तरीके के 2-3 कैपेसिटर लेके उन्हें आप इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जमा नफ़ी के साथ आप लगा दें, आपका लोड इंशाल्लाह परफेक्ट काम करेगा। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैंने यहाँ पे 3 प्लेटों का करंट दिया है, अब यहाँ पे मैं इसे 4 प्लेटों का करंट कर देता हूँ। तकरीबन 4 प्लेटों का बनेगा, 200 वोल्ट तकरीबन यहाँ पर बनता है 4 प्लेटों का। तो यहाँ पे मैंने 4 प्लेटों का करंट दिया, आप यहाँ पे ग्लो चेक कर सकते हैं, आउटपुट जो है काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गई है, यानी आपके 4 प्लेटों पे इंशाल्लाह परफेक्ट काम करेगा। इसमें मैं आपको क्या करूँगा कि आपको इसमें वापड़ा शेयरिंग दे दूँगा, अगर आप 4 प्लेट लगाएंगे और साथ में वापड़ा पर स्विच लगा के आप फ्रिज ऑन करेंगे, जब आपका फ्रिज चल जाए आपको अंदाज़ा हो जाए कि अब आपका फ्रिज चल गया होगा, उसके बाद अगर बेशक आप स्विच भी निकाल दें वापड़ा से तो आपका फ्रिज चलता रहेगा। उसके बाद यानी बिजली अगर चली भी जाए तो आपका लोड आराम से चलता रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 प्लेटों का करंट तकरीबन 200 बनता है, और इन कैपेसिटर की मदद से ये तकरीबन 250 वोल्ट यहाँ पे बन जाते होंगे, 250 या 300 के वोल्ट यहाँ पे बन जाएंगे। यहाँ पे मैं अगर आपको चेक कराऊँ इनपुट, यहाँ पे अगर मैं चेक कराऊँ कैपेसिटर की मदद से इनपुट कितनी हो रही है, तकरीबन 300 वोल्ट यहाँ पे इनपुट बन रही है। अगर आपकी 4 प्लेटें हैं तो आपका लोड इंशाल्लाह परफेक्ट चलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक रॉड बंद कर रहा हूँ, दूसरा यहाँ पे अब बंद कर रहा हूँ, अब दोनों को एक साथ चलाता हूँ तो इन्वर्टर बंद नहीं होता। बाज़ इन्वर्टर के लोड अचानक चलाओ तो इन्वर्टर बंद हो जाते हैं, ये इन्वर्टर बंद नहीं हो रहा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं इसी के साथ आपको वापड़ा शेयरिंग लाजमी कर दूँगा, अगर फ्रिज वगैरह चला रहे हैं तो वापड़ा में स्विच आपने लाजमी लगाना है, उसके बाद आपने 5-1 मिनट बाद चेक करना है कि आपका फ्रिज चल गया है, स्टार्ट हो गया है एम्पेयर, उसने अब वो अपने चलने की हालत में आ गया है, उसके बाद आपने जो है वापड़ा स्विच निकाल लेना है, तो आपका इन्वर्टर काम करता रहेगा।